मीडियाटेक ने अपनी डायमेंसिटी 800 और 820 मिड रेंज चिपसेट लाने के बाद अब 800 सीरीज में नई डायमेंसिटी 800U के साथ अपनी तीसरी एंट्री का खुलासा किया है, जिसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिलेगा और CPU स्पीड को बूस्ट करने के लिए इसमें 2.4 GHz की 2 कॉर्टेक्स A76 और 6 कॉर्टेक्स A55 कोर्स दिया गया है। लेकिन डायमेंसिटी 800 में आपको सिर्फ 2.0 GHz का ही स्पीड मिलता था। लेनोवो ने अपने 3 लीजन गेमिंग लैपटॉप रेंज भारत में लॉन्च कर दी है। जी हां, कंपनी ने लीजन 7i, लीजन 5pi और लीजन 5i लैपटॉप भारत में लॉन्च कर दिए हैं। ये सभी लैपटॉप इंटेल 10th जनरेशन प्रोसेसर एनवीडिया GPUs पर काम करते हैं। लीजन 7i की कीमत 2 लाख रुपए है, वही लीजन 5pi मॉडल को 1,35,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। लीजन 5i मॉडल खरीदने के लिए आपको 80,000 रुपए की कीमत चुकानी होगी। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और एज ब्राउजर को सपोर्ट करना बंद कर रही है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यूजर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पर माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स और सर्विसेज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नोकिया 5.3 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, कंपनी इस फोन को भारत में 25 अगस्त को लॉन्च कर सकती है। कंपनी 25 अगस्त की सुबह 10 बजे होने वाले इस वर्चुअल इवेंट का इनवाइट भेज रही है। ये वर्चुअल इवेंट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होगा। रियलमी ने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। रियलमी सी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बजट के दाम में रियलमी सी 12 और सी 15 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया। इनके अलावा कंपनी ने रियलमी टी शर्ट और ईयरबड्स भी लॉन्च किए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए।